वृंदावन में व्यापार मंडल ने किया व्यापारियों व पत्रकारों का सम्मान। श्री धाम वृंदावन के बुर्ज क्षेत्र स्थित केशव फार्म हाउस पर व्यापारियों एवं पत्रकारों के सम्मान समारोह का आयोजन पंजीकृत के प्रदेश लोकेश कुमार अग्रवाल सम्मानित अतिथि एवं नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल वृंदावन के संरक्षक महेश खंडेला श्याम सुंदर गौतम भीमसेन अग्रवाल राजकुमार कपड़े वाले ठाकुर कालीचरण सिंह द्वारा संयुक्त से श्री बांके बिहारी के चित्रपट माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि आज का कार्यक्रम सभी व्यापारियों को एकजुट करने के लिए किया गया है। इस कोरोना काल में व्यापारियों पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस हालत में बैंक की किस्त भी नहीं दे पा रहे, जिसके चलते बैंकों के नोटिस आने शुरू हो गए हैं। इस समय केंद्र व राज्य सरकार को चाहिए कि वे व्यापारियों की मदद करें और कोई राहत पैकेज का ऐलान करें, साथ ही उनको एक वर्ष का समय अपने खातों को सुचारू रूप से चलाने के लिए देना चाहिए, अन्यथा व्यापारियों के साथ साथ बैंक में भी डूब जाएगी। व्यापारियों की एक और सबसे बड़ी समस्या खाद्य सुरक्षा कानून, जिसके तहत कभी भी कोई अधिकारी व्यापारियों को परेशान कर पहुंच जाता है। 10 साल पुराने कानून के मानकों के तहत परीक्षण किया जाता है। यदि आज की बात करें तो आज के समय में पहले जैसा कुछ भी नहीं है। पानी, दूध, अनाज, तेल, गुड़, चीनी, ज्यादातर सभी चीजों में बदलाव आ गया है, लेकिन खाद्य सुरक्षा कानून में मानकों में बदलाव नहीं किया गया, जिसके कारण व्यापारियों को बेवजह परेशान होना पड़ता है। गोरखपुर में पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक व्यापारी की मौत को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक उन दोषी पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक व्यापारी समाज चुप नहीं बैठेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष आलोक बंसल ने बताया कि आज के कार्यक्रम में वृंदावन के समस्त व्यापारियों के साथ साथ पत्रकारों का भी सम्मान किया गया है। पत्रकारों के माध्यम से ही हम अपनी बात प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचा पाते हैं। कार्यक्रम के मुख्य रूप में से मुकुल वार्ष्णेय, तरुण वार्ष्णेय, नवीन चौधरी, आशीष ठाकुर, आशीष अग्रवाल, हेमंत भारती, प्रदीप बनर्जी, अनिल कुमार शर्मा, मुकुंद शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, जॉनी भाटिया, लल बंसल, कृष्ण मुरारी अग्रवाल, पवन गोस्वामी, आनंद गुप्ता, सोनू अग्रवाल, रामू गुप्ता, कपिल बंसल, आयुष अग्रवाल, राहुल शुक्ला आदि बहुत से व्यापारी बंधु उपस्थित रहे। व्यापार मंडल के मीडिया प्रभारी ऋतिक अग्रवाल ने आए हुए सभी व्यापारियों एवं पत्रकारों को पटका पहनाकर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री सुधीर शुक्ला ने एवं धन्यवाद ज्ञापन चेयरमैन धनेन्द्र अग्रवाल बॉबी ने किया। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। आज जो कार्यक्रम किया गया उसका क्या उद्देश्य है और किस तरह से रहा? वृंदावन में उद्योग व्यापार मंडल का एक शानदार कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, जिसमें व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र दिए गए, पत्रकार बंधुओं का स्वागत किया गया, संरक्षक मुद्दे और सभी पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आज आयोजित किया गया, जिसके लिए मैं वृंदावन की इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे संरक्षक मंडल को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ, सबका आशीर्वाद हमारे व्यापार मंडल को यहाँ प्राप्त है। साथियों, आज इस व्यापार मंडल के जरिए हम केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में आज खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें व्यापारियों की समस्या को उठाया गया है। आज व्यापारी त्रस्त है, पीड़ित है, परेशान है। बैंकों की कोरोना लॉकडाउन के बाद ब्याज में सरकार के द्वारा कोई छूट और राहत नहीं दी गई है। बैंक के 3.5 करोड़ अकाउंट एनपीए होने के कगार पर हैं और सरकार इसे सोचने के लिए तैयार नहीं है। आगामी मार्च के महीने में हमारे लाखों करोड़ों व्यापारियों की संपत्ति को बैंक नीलामी की तरफ ले जाएगा, जो एक गंभीर और शोचनीय विषय है। यदि इतने खाते एनपीए हो गए तो व्यापारी ही नहीं बैंक भी बर्बाद हो जाएंगे। मैं भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, भारत सरकार को एनपीए अकाउंटों को रेगुलर करने के लिए 1 साल का समय और व्यापारियों को एक राहत पैकेज देने का कार्य करना चाहिए, अन्यथा देश की अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इस दौर में अगर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान सरकार नहीं करती है तो आगे जाके व्यापारियों का क्या आगे का रणनीति है? व्यापारियों की जो रणनीति की बात आपने कही, मैं एक प्रमुख समस्या और पहले रखने के बाद उस समस्या की बात करता हूँ। व्यापारियों की दूसरी प्रमुख समस्या है खाद्य सुरक्षा कानून,
जिसके अधीन व्यापारियों के सैंपलिंग भरकर उत्पीड़न किया जा रहा था, जिस कानून का निर्धारण, मानकों का निर्धारण आज से 50 साल 55 साल पूर्व किया गया था, उन कानूनों के तहत आज व्यापारी को सजा और जुर्माने से आरोपित किया जा रहा है, जो कि घोर अन्याय है। नदियों का जल, भूगर्भ जल, खेती में कीटनाशक, पेस्टिसाइड, किसी चीज का कोई मानक तय नहीं है। जानवरों को चारा खिलाए जाने का मानक तय नहीं है। सिर्फ इस देश में मानक तय है तो हमारे व्यापारी की दुकान पर बिकने वाले सामान का मानक तय है, जिसे हम चोर और मिलावटखोर की दृष्टि से देखते हैं। मिलावट की परिभाषा बदल दी गई है। दो चीजों को मिलाकर एक पकवान बनता है। हमारे घर में खाए जाने वाली चीज के अलावा किसी अन्य चीज को मिलाकर कोई व्यापारी मिलावट नहीं करता, मगर 55 साल पुराने कानूनों को आज घेरा बनाकर व्यापारियों को दंडित करने का काम किया जा रहा है, जिसका व्यापार मंडल पुरजोर विरोध करता है। एक आगामी आंदोलन की रणनीति